चल तेरा रहे रंग बिरंगा। शहादत दिवस एक शाम शहीदों के नाम। ऑल राइट गाइज, आई एम प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग शॉर्ट बाय प्रिंस गुप्ता यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ अभी जहानाबाद के पार्क में, जो कि इंडोर स्टेडियम भी है और साथ में पार्क भी है। तो यहाँ आज जो कि है 23 फरवरी, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है शहीदों के नाम पे, जो कि 14 फरवरी को ये जो प्रोग्राम होने वाला था, 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था उसी से रिलेटेड, तो आज क्या यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो हमारे जहानाबाद के जज हैं उनका भी विदाई समारोह होने वाला है, वो सारे तमाम चीज़ है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। क्या कर रहा ब्रेन यहाँ पे खड़ा होके? ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आज की शाम शहीदों के नाम। आज की शाम शहीदों के नाम। तो आप भी तैयार हो जाइए देखने के लिए वो ब्लॉग जो जहानाबाद में कभी नहीं हुई थी। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है दोनों खुल के, पर से भी गया जरा। तालियां इतनी जोर से बजे कि महफिल में जान आ जाए। जंगल मूर्ति, क्या बात है, सब एक्साइटेड, चल एवरीबॉडी एक्साइटेड। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलवामा अटैक पे 40 वीर शहीद हुए थे, उनमें से दो वीर हमारे जहानाबाद से भी हैं, उनका भी आगमन होने वाला है। जब उनकी एंट्री हो, जब उनका मैं अनाउंस करूंगा, तो प्लीज तालियों में बिल्कुल कमी ना हो। आप लोग तैयार है ना जहानाबाद वाले? डिस्ट्रिक्ट जज जहानाबाद राकेश कुमार सिंह जी कुछ ही क्षणों में इस प्रांगण में पहुंचेंगे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। उनके साथ रहेंगे एडिशनल जज जहानाबाद राजेश पांडे जी, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। कुमार जी डिस्ट्रिक्ट जज जहानाबाद एक बार, एंड दिस इज द टाइम लैंप लाइटिंग सेरेमनी। तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जहानाबाद वाले द मोस्ट फेमस डेंटल सर्जन, वन एंड ओनली, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज वी वेलकम ऑन स्टेज वन एंड ओनली डॉक्टर रोहित रॉय।
के साथ रहेंगे वन एंड ओनली एडिशनल जज जहानाबाद प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एज वी वेलकम ऑन स्टेज राजेश डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी का कम ऑन एवरीबॉडी मेक सम नॉइज फॉर ईच एंड एवरीबॉडी और उनके साथ रहेंगे आज के शो के ऑर्गेनाइजर सावन डांस ग्रुप एंड टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज ऑन स्टेज बनाएंगे अमन राज एंड सर का मोस्ट मोस्ट वेलकम करते हैं कि सर ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस शाम को खूबसूरत बनाया सर के बगैर ये शाम बिल्कुल अधूरी थी एंड ट्रैंक को रेडी करने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर है डॉक्टर रोहित राज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि राजेश पांडे जी को बुके देकर सम्मानित करें एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए कम ऑन एवरीबॉडी सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी जो कि डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद से और एक और चीज है मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज सर का विदाई समारोह भी रखा गया है हमारे द्वारा सर यहाँ से विदाई का कार्यक्रम भी करेंगे एंड अभी तो सर स्टेज पर है सो सर कुछ से समथिंग अबाउट दैट एंड सर से रिक्वेस्ट करना है प्लीज टेक योर सीट सर एंड एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए आज के हमारे चीफ गेस्ट डिस्ट्रिक्ट जज जहानाबाद एंड एडिशनल जज जहानाबाद मोस्ट मोस्ट वेलकम स्वागत अभिनंदन आपके बगैर ये शाम बिल्कुल अधूरी थी दिस ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट यू बिल्कुल सभी लोग ध्यान देंगे आज जो शहादत दिवस रखा गया है एक शाम शहीदों के सम्मान के नाम उनके लिए एक बहुत ही उम्दा वीडियो है जो कि डेडिकेट किया जाएगा हमारे शहीद जवानों के लिए तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ईच एंड एवरीबॉडी जो आज इस प्रांगण में है सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ एलईडी स्क्रीन पे होनी चाहिए आप देख सकते हैं ये शाम ये 14 फरवरी का था लेकिन कुछ कारणवश इसे आगे बढ़ाया गया इसलिए कि उस दिन बारिश हो गया था लेकिन शहीदों का नाम आज हो या कल हो वो तो होना ही है एक ऐसा सॉन्ग डेलीगेट हो रहा है आपके लिए तो एक बार फिर से ऑन किया जाए जो फरवरी को अलग अलग डे में मनाते हैं चॉकलेट डे प्रोमिस डे और पोज डे और ना जाने कितने प्रकार के डे मनाते हैं एक ऐसा डे भी आता है जो हर माँ की आंखों को उस दर्द को याद दिलाता है जो शायद आप और हम भूल रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाकर आज उसी पल को याद दिला रहा हूँ उस पल को याद करके पुलवामा शहीदों को 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ उसमें हमारे देश के 42 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हमारे कितने मां का घर सुनसान हो गया हमारे कितने बहन के माथे की सिंदूर मिटा दी गई उनके जिस्म पर सफेद साड़ी चढ़ा दिया गया शहीदों को स्वाधीनता दिवस जहानाबाद तलवारों का
सभी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज अपने अपने स्थान पे बैठे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जिन्हें ये गर्व है, जिन्हें ये प्राउड है कि वो हिंदुस्तानी हैं, वो एक बार शोर मचाएंगे। क्या बात हैं। न खर्चा लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाते रहिए क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस। तो शहादत दिवस है और दूसरा है आज जो हमारे जो चीफ गेस्ट के रूप में विराजमान है डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, उनका आज विदाई समारोह भी रखा गया है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लोग हैं। आजा आजा जिंदे शामी आने के ताले, आजा जरे वाले नीले आसमान की ताले। Is the time, please welcome Shahid Ratne Kumar Thakur, जो कि भागलपुर से थे, उनके फैमिली से छोटे भाई आज यहां पर आए हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। Come on everybody, make some noise! क्या बात है। सर से निवेदन है कि शॉल से सम्मानित करें, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। एंड सर से रिक्वेस्ट करेंगे शॉल और सिर से इन्हें सम्मानित करें। आज का जो दिन है शहादत दिवस, सिर्फ और सिर्फ इन सभी के लिए रखा गया है, एक शाम शहीदों के सम्मान के नाम। और ये पूरा जब पूरा लोग, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जितने भी जो लोग आज एकत्रित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ इन सभी के लिए। और ये चल कर भागलपुर से आए हैं, छोटे भाई हैं शहीद रत्न कुमार ठाकुर के, छोटे भाई आज यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा ट्रैक को लगाएंगे डीजे वाले भाई, थोड़ा सा देशभक्ति गाना। सो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। Come on! न खर्चा लगता है न पैसा लगता है, ताली बजाते रहिए क्योंकि हम सभी को अच्छा लगता है। एक बार इनके लिए तालियां होना चाहिए जहानाबाद वाले। ये सिर्फ और सिर्फ आज का दिन इन सभी के लिए है, एक शाम शहीदों के सम्मान के नाम। शहीद संजय कुमार सिन्हा जी के धर्मपति है यहाँ पे, करेगना मठ से है। बिल्कुल, तालियां जोरदार होनी चाहिए। जितने लोग हैं यहाँ पर कुछ दो सब शहीद संजय कुमार सिन्हा जी की धर्मपत्नी है, यहाँ करेगना मठ से है, तैयारा जहानाबाद से। शहीद लव कुश शर्मा जी के पिताजी और पत्नी जो आज यहाँ पे है, उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज आप मंच पर आएंगे। कल्पा जहानाबाद, उनके परिवार वाले जहाँ भी हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि प्लीज इस मंच पर आएंगे। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए इनके लिए। Come on! डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी से निवेदन है कि सर को सम्मानित करें। ऐसे दो सब कहना चाहेंगे आज
सर तो सब कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग जो सम्मान किए हैं इसका आभार व्यक्त शुक्रिया। आज शहादत दिवस के पहला पर सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रोहित जी, यहाँ पर उपस्थित जहानाबाद जिले की हमारी भोली भाली जनता, जहानाबाद के यहाँ उपस्थित वीर जवान, जहानाबाद से उपस्थित यहाँ पर सभी होनहार, कर्मठ, बुद्धिमान, साहसी, निडर हमारे होनहार नौजवान और यहाँ पर उपस्थित हमारी जहानाबाद की भोली भाली जनता, आज एक शाम शहीदों के नाम डॉक्टर रोहित द्वारा ऑर्गेनाइज इस कार्यक्रम में जब सर्वप्रथम हमको इनवाइट किया गया और डॉक्टर रोहित राज ने कहा कि सर इस कार्यक्रम को हम बहुत तन्मयता से शिद्दत से करते हैं, इसमें आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, मुझे एक क्षण भी देर नहीं। सेकेंड लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह शहीद हो गए, मैं उनके वंशज हूँ, मुझे गर्व होता है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका मिला। मैं शहीद परिवारों के अनुभूति को जानता हूँ, मुझे पुनः मेरी भावनाएं जागृत हो गई, मेरी भावना पुनः मेरे पूर्वज को याद दिला दी। उस मैं बहुत बचपन में था, मुझे तो उस समय होश भी नहीं था, लेकिन बाद में जब हम लोग जाने उनकी वीर गाथा पढ़ते हैं, जोरदार तालियां होना चाहिए जहानाबाद वाले। नहीं सुरपाला के गहनों में गूथा जाऊं, मैं चाह नहीं प्यारी विधिमाला बन लल चाहूं, मैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़कर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली और उस पथ पर देना फेंक जिस मातृभूमि पर देश के वीर सपूत जावे शीश नवाने, और अपने सौभाग्य को आप लोगों के बीच में कैसे प्रकट करूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। पेपर जोरदार तालियां होना चाहिए, कम ऑन जहानाबाद वाले। मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा वरीय पत्रकार संतोष श्रीवास्तव जी, एंड स्टेज पर हैं हमारे साथ डॉक्टर रोहित राज जी, विदाई भेंट देने के लिए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट जज जहानाबाद को। एक बार जोरदार तालियां विदाई भेंट देने के लिए हमारे साथ स्टेज पे हैं वरीय पत्रकार संतोष श्रीवास्तव जी, एंड साथ में हैं डॉक्टर रोहित भाग। Thank you.
सो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे ठीक बगल में है शहीद लव कुश शर्मा जी की पत्नी जी हैं, जो कि पूरे जब इनके परिवार से जो शहीद हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान जहानाबाद से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, ट्रेंडिंग रहा था, बिल्कुल कुछ रहा था, और आज यहाँ पर आई हैं उनके परिवार से शहीद लव कुश शर्मा जी की तरफ से। मैडम कुछ कहना चाहेंगी आज जितने भी जो लोग आए हैं, कुछ दो सब अरे जहानाबाद वाले एक बार इनके लिए तो थोड़ी तालियां बजा दें सारे लोग। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस लवली एंड एंटरटेनिंग इवनिंग विद अस। एंड सर से निवेदन करेंगे डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी से कि मंच सीट पर विराजमान हो, टीचर सीट। राजेश पांडे जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, डॉक्टर रोहित राज से भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज अपने अपने स्थान पे आप सभी विराजमान हो। जहानाबाद थैंक यू सो मच, अपने अपने स्थान पे बैठेंगे। उषा क्रिएटिव स्कूल एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए। सो अब जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस का दौर बहुत मेसमराइजिंग होने वाला है। Presented by one and only Kurma Sanskriti School. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आंख हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा तू ही सहारा तू जग सारा तू ही हमारा सूरज तू ही तारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा। जहाँ जहाँ तेरे पांव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया माया है तेरी। तू निर्बल चाबल है स्वामी रखवाला हम सबका, शानदार तरीके से आ रहे हैं। वाओ क्या बात है, कहते कि हमारा देश अपनी समृद्ध संस्कृति और विविध विरासत के लिए विश्व भर में जाना जाता है। म्यूजिक डांस परफॉर्मेंस एंड एनी वर्चुअल आर्ट, और इसी कड़ी में आप सभी के समक्ष बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करने वाले। लेट्स गो डबल एंट्री होता है ना वो बना देंगे। Oh
Oh,
नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा
क्या बात, एक्साइटेड है ही जन एवरीबॉडी एक्साइटेड। जरे वाले नीले आसमान की तले महफिल में जान आ जाए, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हो गया था और अभी 9 बजे खत्म हो चुका है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड लास्ट जय हिंद जय भारत।